अब गोलियों से साफ पता चल रहा है आगे कम से कम 10-12 बंदे बैठे हैं, और मैं क्या करता हूं, बेवकूफों की तरह इनके मुंह पे गाड़ी रोक देता हूं। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटर्न्स पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। इसमें तुम्हारा भाई 10 बंदों के बीच घुस जाता है, और वहां पे जो ही गलत सीन होता है यार बहुत खतरनाक होते हैं, मजा टैप आ जाएगा। और इस मैच में किल भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, खैर वो थोड़ा आगे जाके होगा, वो सब फिलहाल झोर जा रखे हैं। और जॉर्ज में जो भी गिने चुने बंदे आए होते हैं उन्हें पेलने के लिए आगे निकल पड़ता हूं मैं। एक सस्ती सकारेल है और जोश बहुत है। और इसे बोलते हैं एक निशाने से दो तीर मारना, मतलब पीछे भी बंदा होता है आगे भी बंदा होता है और दोनों एक ही बार में ठिल जाते हैं। और अपने सस्ते स्प्रे का दोष मैं देना चाहता हूं ये सकारेल के बकवास से लोहा साइट को, ठीक है, मतलब एक छेद होता है यार, कद्दू कुछ नहीं दिखता उस छेद से, कैसे बंदे पे लूं। खैर अब बहाना हो चुका है, तो जो भी लूट पड़ी होती है इन पे सबको लूट लेता हूं। 3 बंदे यहां पे ठिल जाते हैं, 3 किल धड़ पैड़ मिल जाती है, और एक भालू वाला बंदा भी भगा था यार, पता नहीं वो किधर पे चला गया। खैर उसे छोड़ो, आगे रस करने जा रहा हूं क्योंकि यार आगे बंदे बैठे पड़े हैं। और यहाँ पे यार अपना ही रिवाइव चल रहा है, ठीक है, इनको किसने नॉक किया, कब नॉक किया, हमें कद्दू नहीं पता, मुझे बस इतना पता यार किल मिल गई तो सब सही है। और देखो मेरे ख्याल से 5 किल कर चुका हूँ मैं, और अभी तक तुम्हारे भाई के पास एक हेलमेट नहीं है, ठीक है, मतलब यार अब से सोच रहा हूँ मैं उठाना ही छोड़ दूँ, ये सफ़ेद टोपी ही काम आती है मेरे। खैर यहाँ पे बॉट बूट आए होते हैं और बॉट पे 6x पड़ा होता है, और एक लेवल 1 का हेलमेट जो कि यार शर्म टैप आ रही है पहनने में, मतलब हेल्थ देखो हेलमेट की, गोली बगल से जाएगी इसके यार, हेलमेट टूट जाएगा वहीं पे। खैर यहाँ पे मैं लूट लेता हूँ बॉट वूट को, जो भी सस्ती लूट पड़ी होती है, क्योंकि यार कंटेनरों में आजकल लूट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता। खैर जो भी लूट पड़ी होती है मैं धड़ पैड़ लूटता हूँ, और आगे बॉट दिखता है मुझे, और बॉट के साथ कोई और भी होता है। अब देखो वो ऊपर जो बंदा था उसके बहुत डैमेज देता हूं मैं, तो रस करना पड़ेगा। और यहां पे भैया पूरे एक्शन फिल्म की फीलिंग आ जाती है, वो भी महंगी वाली, मतलब मैं भग के जा रहा हूं, इधर उधर भग रहा हूं मैं, कान के बगल से गोलियां जा रही है, फूफा सारी आवाजें यहीं पे आ जाती है मुझे, और गोली एक भी नहीं लगती, मतलब गोली लगेगी भी कैसे यार, सस्ती गन चला रहे हैं भाई, UMP-45 चला रहे हैं, लेकिन यार जब कान के बगल से जा रही थी ना गोलियां, जो ही आवाज आई मजा टैप आ गया। खैर जो भी हो आवाजों के मजे ले लिए, अब बंदों को पेलना पड़ेगा क्योंकि किल भी चाहिए जिंदगी में, और बंदे यही नीचे बैठे पड़े हैं। और यहाँ पे ये दोनों भाई एक छोटे सस्ते कंटेनर के अंदर सिमट के बैठे होते हैं, है ना, मैं ऊपर से देखता हूँ भैया टीबी भी ले रहे होते भाई, लेकिन गोली पहुंच जाती है भाई तक, तो इन दोनों को पेल दिया और जैसे तैसे करके जोर्ज खाली हो गया है भाई, 9 किल हो गए, मुझे सही बता रहा हूँ विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे, क्योंकि जोर्ज अब इतनी बकवास जगह हो गई है कोई आता ही नहीं, ठीक है। ये जो बोर्ड भी मिला ना भैया बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये बोर्ड भी कोई दिखता ही नहीं जॉर्ज में, ये नया सीजन बहुत बकवास रहा खासकर जॉर्ज वालों के लिए यार, कोई आता ही नहीं है। खैर जो भी हो उन सबको पेल दिया, अब आगे जा रहे हैं क्योंकि देखो यार आपको दिखाऊंगा मैं, जॉर्ज नहीं आते बंदे तो जाते किधर हैं, और 10 बंदों से भी लड़ेंगे एक साथ, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके होगा। और आप अब देखो यहाँ पे हम पे गाड़ी से आते टाइम उस जगह से फायरिंग होती है जिस जगह का मेरे ख्याल से मैप में ही नाम नहीं है, ठीक है, मतलब इतनी सस्ती जगह है भैया मैप में नाम तक नहीं दे रखा है, सोचो क्या ही लूट मिलती होगी वहां पे, क्या ही कौन जाता होगा। खैर यहाँ पे हमारे कुछ खतरनाक बंदे जा रखे जो भैया बिल्कुल पेल के रख देते बंदों को, तो यहाँ पे ये सस्ती पानी वाली जगह में आ जाता हूँ, है ना, मतलब यार घरों के बगल में पानी हो रखा है, क्या ही सीन है इस जगह के।
और देखो ऐसी जगहों में अगर आप अंधा रस करते हो ना, चाहे आप कितने ही चौड़ में खेलो, कितना ही बढ़िया खेलो, लेकिन बंदे जो साइड में छुपे हुए होते हैं भैया, वो ऐसा धप्पा करेंगे कि सीधा पेटी बनाएंगे आपकी। अब ये लोग ऐसी जगह पे चढ़े हैं जहां पे यार मुझे पता भी नहीं है कि जाना कैसे उसके ऊपर। ठीक है, मतलब एक तो यार ये लोग इतनी छोटी सी जगह में आए हैं जहां पे नाम भी नहीं है, उसके ऊपर से भाई लोगों को छत के ऊपर चढ़ना है, तो करना क्या था? पानी है, बिल्कुल खतरा है यार, पेटी बूटी कभी भी बन सकती है, लेकिन रस तो करना ही पड़ेगा। किल और केडी कैसे बढ़ेगी? तो मैं इस छत पे आता हूं, इस छत के ऊपर अभी भी एक बंदा बचा हुआ है, तो करना क्या था? मैं ये नेट लेता हूं, है ना? देखो मुझे पता है नेट करने से पहले ही पता है कि नहीं फटेगा, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद थी क्योंकि बंदा ऊपर है यार, कैसे नहीं फटेगा बंदा। और कैसे नहीं फटेगा बंदा यार, इसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है, पबजी को भी नहीं पता होगा इसका जवाब। ठीक है, बिल्कुल ऊपर लेटा है, ऊपर ही नेट फेंका, उसके बाद भी भाई नहीं ढीले। और इन लोगों के लिए यार बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, मतलब एक तो भाई लोग अपनी रैंक बचाने के लिए यहां पे कैंपिंग डाल के बैठे हैं छत के ऊपर, बिल्कुल मतलब छत के ऊपर पेड़ गिर रखा है, बहुत ही खतरनाक। खैर जो भी हो, इन दोनों की पेटीएम बना देते हैं, जो भी सस्ती लूट पड़ी होती है, वैसे काफी मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया लूट इन पे है हमसे, जॉर्ज में तो भैया कद्दू कुछ नहीं मिलता आजकल। और देखो इस जगह पे मुझे रस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब पानी है भैया, भग भी नहीं सकते इधर उधर, लेकिन यार मजबूरी थी। देखो किल और केडी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। खैर उसके बाद मैं वहां पे आता हूँ आखिरकार जहां पे मैं पहले जा रहा था, रोजक की पहाड़ी। और देखो जरा पबजी के गलत नशे, ठीक है गाड़ी भैया छत के ऊपर पड़ी है, और ये ग्लिच पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे भैया इनसे सही नहीं किया गया, इसी में मेरा दिमाग खराब होता है और मैं गाड़ी नीचे पटक देता हूँ। गाड़ी आई ऊपर, और यहाँ पे लगता है यार मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जिसको रुझौक की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मेरे नीचे आते ही भैया एक गाड़ी और आ जाती है, मतलब यार पहले ही आ जाता यार, थोड़ी किल कर लेता मैं। खैर गाड़ी ऊपर आ चुकी है, और जहां तक मुझे लग रहा है यार इन्हें पता है हम भी नीचे हैं, क्योंकि जो बेरहमी से मैंने गाड़ी पटकी ना जमीन पे, आवाज सबको आ गई होगी। तो ऊपर से एक बंदा भालू के कपड़े में नीचे की तरफ भाग रहा होता है, तो करना क्या था यार, मैं भी पकड़ लेता हूँ भाई को। इधर राइट में ही नॉक किया तुमने, और यहाँ पे ना मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। ठीक है, हर बार पता नहीं कितने मैचेस हो चुके, हर बार मैं बोलता हूँ यूएमपी सस्ती गन, ठीक है इस बार यार तुम्हारे भाई की यूएमपी से ही पेटी बनने वाली थी, तो मुझे लगता है यार बंद करना पड़ेगा यूएमपी को सस्ती गन बोलना। खैर आपको भी पता है यार ऐसा नहीं होने वाला, यूएमपी सस्ती गन है और तब तक रहेगी जब तक ये ठीक नहीं करते इस गन को। खैर यूएमपी से नोक किया, और फिनिश करने के लिए भाई लोग नेट कर रहे होते हैं हम पे। हाँ और यहाँ पे ना बस एक ही चीज हो रही है, वो है हीलिंग की बर्बादी। और यार वो जो भालू के कपड़े में बंदा भगा था भाई, वो नहीं ढिला, मतलब नोक करके इतनी सारी गोली चलाई उस पे, मेरे टीममेट ने भी भाई को पेला, लेकिन यार उस बंदे की पेटी ही नहीं बनी, बहुत जल्दी रिवाइव दबाया इन्होंने। खैर यहां से मैं घर के अंदर भाग जाता हूं। और ये सोकॉट ना हमारी पेटी बनाने के लिए पूरी तैयार है, एक बंदा राइट से फ्लैंक कर रहा है, और जहां तक मुझे पता है लेफ्ट से भी कोई फ्लैंक करने वाला है अब। और ये लोग देखो सोचते हैं कि हमें फ्लैंक करके पेलेंगे, और इन्हें अभी पता चल रहा है कि यार फ्लैंक करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि देखो ऊपर दो बंदे नॉक पड़े हैं, लेफ्ट में बंदा नॉक कर दिया, अब रिवाइव करने कद्दू भी कोई नहीं जाएगा, और आखिरकार जाके मुझे किले मिलेंगी यहाँ पे।
और इनका बस एक ही बंदा बाकी है, तो करना क्या यार, रिवाइव देने भग रहे होंगे भाई पूरी जान लगा के। और देखो गायब हो चुका है राइट से, तो देखो राइट से भगूंगा तो वो मेरी भी पेटी बना सकता है, जोश में आके यार बेहोशी नहीं खोनी। तो लेफ्ट लुफ्ट से जाएंगे और देखेंगे कि है किधर पे बंदा वो। और यहाँ पे ये भाई गन हटा के इधर उधर भाग रहे हैं रिवाइव देने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बंदा पहले आगे की तरफ गया, लेकिन जो आगे बंदा था वो खुद ही टिल गया, एक किल भी आई थी मुझे बीच में। उसके बाद भाई वापस पीछे की तरफ आते हैं दूसरे बंदे को रिवाइव देने के लिए। मतलब यार पहाड़ के नीचे तक आ गए थे ये रिंग रिंग के, बहुत ही खतरनाक। अब सोचो अगर चारों बंदे पहाड़ी पे होते ना, अभी भी हमारी फाइट लगी पड़ी होती। ठीक है, मैं नॉक करता वो रिवाइव करते, मैं नॉक होता हमारे भाई रिवाइव करते, यार दिक्कत दोनों टीम को बहुत होती। तो ये होता यार, अगर आप फ्लैंक मारते हो, आप चौड़ में फ्लैंक मारते हो और गलती से अगर आपके टीममेट्स ठिल गए ना भाई, तो पूरी टीम के साथ गलत सीन होंगे, पूरी टीम के साथ। इसलिए देखो यार, अगर फ्लैंक फ्लैंक मारते हो तो संभल के करना जो भी करोगे। खैर उसके बाद उन सबको पेल दिया और आगे एक ड्रॉप हो रहा होता है और बंदे मैं ढूंढने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन यार हार मान के मैं बोलता हूँ ड्रॉप पे चलते हैं। और यार जो गलत सीन होंगे ना भाई, बहुत ही मजा आने वाला है, देखो क्या सीन होंगे आगे। अब गोलियों से साफ पता चल रहा है आगे कम से कम 10-12 बंदे बैठे हैं, और मैं क्या करता हूं बेवकूफों की तरह इनके मुंह पे गाड़ी रोक देता हूं। एक और स्क्वाड है, वो लेफ्ट है, लेफ्ट है, आराम से। एक और इस बग्गी वाले बंदे को ठीक मेरे से क्या दुश्मनी थी यार, मैं पता नहीं कर पा रहा हूं। मैं यहां आगे सांप का चक्कर मौत से टक्कर ले रहा हूं, हमारे भाई बग्गी लाते और मेरे को कुचलने की कोशिश करते हैं, और ऊपर से पेड़ पे बग्गी मार दी जिसकी वजह से मैं कवर पे भी नहीं रह सका। और यहां पे हम मुझे नहीं पता कैसे जिंदा है भाई, 10-12 बंदे होते हैं, ठीक है 12 ज्यादा हो गया, 9-10 बंदे होते भाई, एक बंदा बग्गी लेके आ रहा है साइड से। ठीक है, यहाँ पे पूरी 200 स्क्वाड अपने ऊपर बैठी पड़ी है भाई, साइड से बग्गी लेके आ रहे हैं। और मैं ये बात नहीं समझा यार, गोलियां तो धैड़ पैड़ चली थी, लेकिन आखिर में जाके हम दोनों को ही हर किसी से लड़ना पड़ा, और उसके बाद भी पता नहीं कैसे अपन लोग अब भी जिंदा है। तो भाई लोग यार, यहाँ पे 9-10 बंदों को पेलने के लिए लाइक के बटन को पेलना मत भूलना यार, मतलब पेल के बिल्कुल नीला टैप कर दो। और अगर आप नहीं, ये तो एंड में बोलते हैं सॉरी, और इसके बाद मैं निकल पड़ता हूं क्योंकि अभी किल की भूख मिटी नहीं है यार, अभी बहुत बंदों को ठिलाना है, केडी अभी नहीं बची अपनी। तो गाड़ी लेता हूं मैं, दोबारा घुमाना चालू करता हूं, और इस जोन में ना बस एक ही घर होता है, घर भी क्या वो सस्ता सा भेयर हाउस होता है, तो उसी के बगल में मैं गाड़ी रोकता हूं। और जहां तक मुझे लग रहा है यार, कोई ना कोई तो होना चाहिए इधर पे, तो गाड़ी रोकता हूं और देखो कहां बंदे होते हैं। अब यहाँ पे एक अकेला बंदा सांप बना होता है, मतलब ठीक है भैया आप पे गिल्ली सूट है, बहुत ही बढ़िया यार, अभी से तो सांप मत बनो कम से कम। खैर इस सांप की तो सीधा बेटी बनती है, लेकिन देखो अभी हमें कद्दू भी नहीं पता कि बाकी सांप किधर हैं, क्या वो सांप बने भी हैं या फिर यार कहीं और पे जाके बैठे हैं। अब देखो सीन क्या होता है, एक अकेला सांप यहाँ पे बना होता है और इसके सारे के सारे टीममेट जहां तक मुझे लगता है आगे वाले घर पे बैठे होते हैं। तो आगे घर नहीं यार, भेयर हाउस में, आगे वाले भेयर हाउस में टोटल 3 बंदे बैठे होते हैं और उनका चौथा टीममेट ये होता है जिसकी मैंने अभी अभी पेटी बनाई। ओ,
और यहाँ पे मैं झाड़ी में हल्का सा एडजस्ट उडजस्ट करके दो बंदे नॉक कर देता हूँ, और आगे वाले बंदे भी यार M24 वगैरह चला रहे होते हैं, तो बंदे नॉक हो चुके हैं। करना क्या था यार, गाड़ी ठोको और पेटियाँ बनाओ। अब और यहाँ पे यार बंदा नेड कर रहा होता है, इसीलिए मैं रस किया, क्योंकि देखो भाई ने इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था एयूजी से, मुझे लगा नहीं था। बंदा मतलब प्री फायर देता है, मैं ढीठ की तरह यार मुंह के सामने आ जाता हूँ, है ना। फिर भी मैंने उसे डैमेज दिया, भाई ने मुझे डैमेज दिया, दूसरा बंदा इनका बाहर आता है, उसकी सीधा पेटी बनाते हैं, मतलब उसको नॉक करते हैं। उसके बाद मैं हील करने बैठ रहा होता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ यार बंदा नेड खींच रहा है। तो करना क्या था यार, अंधा रस करते हैं और पेल देते हैं इनको। अब देखो जो ना रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं इनसे M24 उठा लेता हूँ, जिसका कहीं पे भी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, है ना। और देखो ज़्यादातर पबजी में क्या होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर घर के आसपास जोन है तो ज़्यादातर टाइम घर के आसपास ही जोन बनता है अगला। तो देखो ये भेर हाउस इतना हल्का सा जोन में होता है कि क्या ही बताऊँ, मतलब जब भी मैं पीक करूँगा मुझे डैमेज पड़ेगा यहाँ से। तो देखो ओपन है, पूरा ओपन में सर्कल बन रखा है, और ओपन में रस करेंगे तो पेटी भी बन सकती है, और बंदे भी ठीक ठाक अलाइव है तो यार हमारी गाड़ी की भी पेटी बन जाएगी। तो मैं यहीं पे रुकता हूं और इंतजार करता हूं सांपों के आने का। और इंतजार करते करते यार बहुत लेट हो जाता है, मतलब सांप आपस में ठिल जाते हैं कुछ तो। और ये देखो मतलब क्या है ये क्या है, ये काला सा क्या है जिसके मैं आर पार जा पा रहा हूं भाई, पता ही नहीं यार। हो सकता है सिर्फ मुझे दिख रहा हो, और उसके आगे जो सांप बना हो उसे वो ना दिख रहा हो, और वो मेरी पेटी बना दे। तो मैं बोलता हूँ भैया पबजी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी गलत सीन होते हैं वापिस आ जाओ, ढीठ बनती मत करो। मतलब 12 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 10 बंदों के मुंह के सामने गाड़ी पेल दी, बच गए, खुशकिस्मत थे। लेकिन अब सांपों से दोबारा पंगे लूंगा तो ठिल भी सकता हूँ। और जैसा कि मैं कह ही रहा था यार, जोन इतना सा होता है, देखो अगर मैं यहाँ से पीक करूंगा तो मुझे काफी डैमेज हो सकता है। खैर सांप आगे आ रहे होते क्योंकि जोन डंडे देता है उनके, और सांप स्पोर्ट भी करता हूँ मैं कुछ। और एक सांप की तो पेटी बन जाती है, लेकिन यार इस भाई के और भी सांप होंगे, तो उन्हें ढूंढने का भी काम जारी है अभी के लिए। और यहां पे यार फिर से वही सीन चल रहे होते हैं, सांप के दो आगे सांप, सांप के दो पीछे सांप, बोलो कितने सांप। ठीक है मतलब यहाँ पे हर कोई सांप था तो बोल तो मैं नहीं सकता, लेकिन हाँ आखिरी बंदा, आखिरी सांप जो होता है वो उठता है, वो किसी और टीम का होता है, और भाई उठ के दूसरे सांप पे फायरिंग दे रहे होते हैं जो कि सांप ही बना होता है। और मुझे नहीं लगता यार आपको कुछ भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि शब्दों से ज्यादा मैं सांप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सांप भी एक शब्द है। खैर वो सब छोड़ो भाई लोग, यार इससे ज्यादा मैं सोच पे पड़ूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आखिरी सांप खड़े होके मेरे अगले सांप की पेटी बनाना चाह रहा होता है, लेकिन आखिरकार सबकी किले मुझे मिल जाती है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पे मत भूलना यार, ठोक के बिल्कुल इस नीले जोन की तरह नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे गलत सीन दो बार क्यों बोल रहा हूं मैं, गलत सीन और ऐसी ढीठता तुम्हारा भाई करता रहता है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और भी ऐसे ही सस्ती वीडियोस के लिए। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं यार, बाय बाय।